11 साल भी हो जाएंगे तो भी बटे रहेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। अगर 11 साल के बाद भी हमारे बिल वापसी होते और हमारे जो अधिकार है, जिन अधिकारों के लिए हम लड़ रहे हैं, तो हम 11 साल भी इंतजार कर लेंगे, हमें दिक्कत नहीं है उस चीज़ की। क्योंकि भाई जो किसान है, किसान ही तो उगा रहा है, पूरे देश को खाना खिला रहा है वही। हम अपनी फसल का इतला खा रहे हैं, कोई मोदी तो हमें यहाँ पैसे देने नहीं आ रहा या खिलाने आ रहा। हम तो अपनी फसल जो उगाते हैं और उससे उसका भोजन ग्रहण कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमें तो कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा 10 साल लग जाओ, 20 साल लग जाओ, कोई टेंशन नहीं है यहाँ। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में, तो योगी सरकार ने 25 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाए हैं गन्ने पर। हाँ, बहुत बड़ा फायदा पूछा आज ने आदमी ने। मन तो ऐसा करा है जो कर योगी जी को जूते चप्पल की माला पर आ दे हम, जो कर योगी मोदी जी के ना वहाँ से सारे को काले हो लग रहे ना पोस्टर, और लोग उतार उतार के जूते चप्पल तक पीटने लग रहे हैं, ऐसा काम हो रहा। 25 पैसे प्रति किलो का भाव, क्या इतनी अहमियत है किसान की? क्या ये इज्जत है किसान की? भाई 4 साल पहले आकर के जब आए थे ये उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे थे, उस टाइम इन्होंने कहा था कि भाई हम 375 भाव कर देंगे, हैं वो भी नहीं हुआ पता 4 साल में। अब आकर के 25 रुपये ढाल दे रहे हैं, 10 रुपये फिर बढ़ा देंगे। अगर 25 पैसे किलो, कोई भीख भी नहीं लगता 25 पैसे किलो की, तो 50 पैसे भी नहीं चलते भीख में, तो हैं शर्म आनी चाहिए ना कि क्या कर रहे हैं ये लोग। कितना चाह रहे थे, कितना बढ़ना चाहिए? कम से कम 450 का भाव तो होना चाहिए, 450 से क्या कम भाव नीचे होगा? अरे मुझे एक बात, जब डीजल पेट्रोल पे तुम लोगों ने 50-50, 60-60 रुपये लीटर पर बढ़ा दिए, गैस पे भी बढ़ा दिए, खाद पे भी बढ़ा दिए, हर चीज़ पर तुमने पैसे बढ़ा दिए, हैं किसान के 25 पैसे किलो, तुम अपनी चीज़ बढ़ाओगे 40 रुपये किलो और हमारी चीज़ पर बढ़ाओगे तुम 25 पैसे किलो, ये कहाँ का इंसाफ है भाई? भाई खर्चा तो हमारा भी होगा, मजदूरी भी महंगी हो रही है, हर चीज़ महंगी हो रही है, 25 पैसे किलो में काम चल जाएगा किसी का? ये मूर्ख बनाया जा रहा है क्योंकि चुनावी एजेंडा आ रहा है। मैं तुम्हें कह रहा हूँ योगी जी, इतने बड़े तुम धार्मिक आदमी हो, इतने बड़े तुम मुख्यमंत्री हो, करो ना लीगल डॉक्यूमेंट बना के, तो 100 रुपये के स्टाम्प पे लिख के दे दो, कहला जो जो वादे आज कर रहा हूँ चुनाव के टाइम में, अगर इन वादों को मैंने पूरा ना करा मुझे जेल में डाल दिया। चुनावी वादे तो सबको पता होते हैं, झूठे होते हैं। क्यों होते हैं झूठे? क्यों होते हैं? कब तक बनाएंगे जनता का मूर्ख? नहीं तो कब तक बनाएंगे झूठे होते हैं आपको? क्यों होते हैं? क्यों होते हैं झूठे? आज हम आवाज़ उठा रहे हैं ना चीज की, जो कोई तुम्हारे क्षेत्र में, जो आदमी इस वीडियो को देख रहा है, अगर कोई आदमी तुम्हारे क्षेत्र में आकर के वादे करे, उसे कह दो उनको 100 रुपये के स्टाम्प पे लिख करके लीगल डॉक्यूमेंट बना के दे मुझे, अगर मैंने ये वादे पूरे ना करे मुझे जेल हो। जो विधायक है भाजपा के, उनके साथ मारपीट कर दी जाती है, गाड़ी तोड़ दी जाती है, इसके अलावा और क्षेत्रों में भी ये घटना होने लगी है, क्या आप जनता जो है जवाब मांग रही है बीजेपी कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, सरकार से? जनता इनके बक्कल तारेगी और जनता समझ चुकी, जागरूक हो चुकी, कब तक झूठ बोल लेंगे? मैंने कह रहा बीजेपी का झंडा लगा के भी बाहर नहीं निकल सकते, इनकी इसी ऐसी रिमांड ले देंगे ये लोग, इनकी ऐसी बुद्धि ठीक कर देंगे, हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, आज जो काम, जो षड्यंत्र रच रही है भारतीय जनता पार्टी, इसके षड्यंत्र देखो, जगह जगह जा करके क्या सोच रहे कि किसान आंदोलन को कुचल दे। कभी उत्तराखंड से बयान आते हैं, कभी उत्तर प्रदेश से बयान आते हैं, कभी अब एक नई फिल्म आई परसों परले दिन की, सतपाल तोमर है उसकी लड़की चारू प्रज्ञा बागपत से, वो बता रही है कि अलग ये जो किसान है ना ये भेड़िया है, भेड़िया की नस्ल में छुपे हुए इंसान है। अरे शर्म आनी चाहिए, इस बागपत क्षेत्र ने इनको चुना है, क्यों चुना था सतपाल को? भाई पढ़ा लिखा व्यक्ति है भाई, आकर के कमिश्नर रहा है भाई, आकर के कुछ ना कुछ विकास करेगा क्षेत्र का, लेकिन ये भी उनकी वाली भाषा बोलने लगे अपनी लड़की की राजनीति चमकाने के लिए। अगर आज अपनी लड़की से ऐसे ऐसे बयान करवाते हैं तो शर्म की बात है ना भाई, बहुआ चोर मराने वाली बात होगी भाई, लड़ना बात करनी अपने आप करो ना आकर के, हैं इनके मोदी जी तो बाहर आते नहीं, मीडिया से बात करते नहीं, इन लड़की को भेज दो सामने। अरे हमारी तो बहन बेटियाँ हैं, एक पर कम तो हमारी भी तो इज्जत रख लो, कम से कम उसे ज्ञान तो पूरा दे दो। नू कह रही 70 लोगों ने 70 करोड़ लोगों को परेशान करा, अरे ये तो सोच इस भारत की जनसंख्या कितनी है, 135 करोड़ है। पहले तो जिसने वो लिस्ट बना के दी थी उसे लिखना चाहिए था 135 करोड़ लोग हैं यहाँ सिख, उसने बताया 70 करोड़ भारतवासी, क्या 70 करोड़ भारतवासी है, बाकी कहाँ जाएंगे? 27 सितंबर को आपने भारत बंद का ऐलान किया था, कितना फायदा मिल रहा है किसानों को इस ऐसे बंद करने से? देखे भगत सिंह ने कहा था, कहला जब बहरे लोगों को अपनी आवाज़ सुनानी हो ना तो एक धमाके की आवश्यकता है, और हमारे किसान भाइयों ने हर बार धमाका करते हैं, कभी 5 तारीख को पंचायत करके, कभी भारत बंद करके। अब समस्या क्या है, जो गोदी मीडिया है और जो ये लोग हैं उनका कहाँ भारत बंद था? भारत तो बंद था, हर तहसील वाइज बंद था, हर तहसील के रोड पर बैठा था, मैं भी कांदला बैठा हुआ था अपनी तहसील पे, सारे रास्ते बंद थे, पुलिस प्रशासन का काम था कि वो गाड़ी को कहाँ से निकलवाए, लोगों को परेशान न होने दे। हमने किसी भी स्कूल की बस वालों को परेशान नहीं किया, किसी एम्बुलेंस वालों को परेशान नहीं किया, उन गाड़ियों को देख करके उन्होंने कहते भारत बंद नहीं हुआ, कौन क्या भारत बंद नहीं हुआ? पूरा भारत जो लोग परेशान रहे ना सुबह शाम के 4 बजे तक, सुबह 10 बजे से, वो बताएंगे भारत बंद था नहीं था। जो आदमी एसी में बैठ करके बता रहे भारत बंद नहीं था, उनके कहने से चल जाएगा काम? यही तो इनकी मीडिया करती है काम, जा करके दिखा दिया अपना एक रोड पे जा करके, क्या लगे ये जारी गाड़ियां निकल गए। ये भारत बंद करने से आपका तो काम नहीं चला था क्यों?
मैंने बताया ना अभी, एक धमाका किया, एक आवाज दी, एक संदेश दिया। अरे अभी तो सिक्का किससे? भाजपा से। सबसे बत्ती रोड बंद तो ये करते, सबसे बत्ती भारत बंद यह करते थे, इनसे तो सिक्का हमने। जब ये करते थे तो चमत्कार, और हम करें तो बलात्कार। हैं, हम गलत हैं, ये सही थे। जब सिलेंडर पे बैठ बैठ के स्मृति ईरानी चिल्ला कर थी, कहला मर गए चूड़ी पहन लो ये पहन लो, आज कहाँ गए वो स्मृति ईरानी? कहाँ गए मोदी जिस टाइम बैठ के कहते थे, कहला उस देश का पैसा डल गिरता जिस देश का प्रधानमंत्री खराब हो। तेरा में गलत थे, आज गलत हो? बताओ, उनके आंदोलन का असर होता था ना, आपके आंदोलन का असर नहीं? कौन का? हमारे आंदोलन का असर नहीं है? दिख नहीं रहा? पूरी भारतीय जनता पार्टी का आदमी निकल कर दिखाओ ना बाहर, पता चल जाएगा। आज घबराहट हो रही है, चुलबुले मींच रहे हैं, 25 रुपए बढ़ा दिए, 10 रुपए बढ़ा दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, किसानों की रैली कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर में रैली करी, उसमें ग्राउंड में इंटर कॉलेज ग्राउंड में ट्रैक्टर से ग्राउंड नहीं भरा उन पर। यार पे बता रहे महापंचायत कर रहे हैं, महापंचायत कौन सी महापंचायत कर रहे भैया? कहाँ होगी महापंचायत? वह महापंचायत थी जिसमें 5000 आदमी। और कह भाई ये लोग तो ना मासिक ना देखो कितने भंडारे थे, किसानों के भंडारे नहीं होते, ऐसे ऐसे लोगों के सुने मैंने विचार। अब भाई वहाँ जितने तम लोग थे इतने तो भंडारे लगे हुए थे, इतने लोग तो भंडारों में थे वहाँ। ये जो है राजनीतिक रूप ले लिया इसने। अच्छा, क्यों कर भाई, कैसे ले लिया राजनीतिक रूप? अगर हम लोग भाजपा में चले जा और भाजपा को वोट दे तो हम राजनीतिक नहीं है, तो हम देशभक्त हो गए। अगर हम इस भाजपा से अलग होकर के कोई भी बयान देवे तो हम राजनीतिक हो गए। हैं, अरे ऐसा कौन सा इनके पास ऐसी कौन सी मोहर है जो पिछवाड़े पे मारे? भाजपा में जाते हो पिछवाड़े पे एक मोहर मार दे और कह दे क्या लगा भाई ये देशभक्त हो गया? अगर जो भाजपा में नहीं है सब देशद्रोही है, कितने शर्म की बात है। हैं, भाजपा कब से सत्ता में आई? अरे भाजपा ने इस देश का नाश कर दिया, हर चीज को बेच कर रख दिया इस भाजपा को। इसने सबसे पहले जो मीडिया, सबसे पहले तो जो ये दलाल मीडिया है ना, दलाल जिसने अपना जमीर बेच दिया, इनका चूरने लगेंगे इस बात से। ये दलाल मीडिया ना, इन्होंने ना इस देश को बर्बाद करने का काम करा। चौथा पिलर माना जाता था क्योंकि ये सच्चाई की आवाज़ उठाते थे, लेकिन इन लोगों ने अपना जमीर बेच करके अपनी लुंडी का सौदा कर दिया। इन लोगों ने, इन्हें सोचना चाहिए कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, पैसा लिया तुमने अपना धंधा चलाने के लिए, रोजगार चलाने के लिए लिया, लेकिन सच्चाई की भी आवाज़ उठानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसानों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करा जाए। अरे हमारा स्वाभिमान को ठेस पहुँच रही है, ऐसी ऐसी खबरें डालते हैं, क्या हमारा कोई स्वाभिमान नहीं, हमारा कोई सम्मान नहीं है किसानों का देश में? हैं, हमें कभी आतंकवादी बता दें, कभी खालिस्तानी बता दें, फिर इनके ही लाल किशन आडवाणी कहते हैं किसान है, इनके सतपाल मलिक कहते हैं राज्यपाल, कह ले भाई ये तो किसान ही तो है, इनके बारे में सोचना चाहिए। उनसे बयान करवाते हैं, फिर उनको उसे लपेट लपेट कर उन्हें कहते हैं उनको चुप हो जा। लाल किशन आडवाणी कहाँ है? कैद कर रखा है उसे, लाओ ना बाहर निकाल के। लाल किशन आडवाणी बताओगा किसान है नहीं है? हम मीडिया ने जमीर अभी बेचा है, पहले ही बेच चुकी थी 2013 में, बिक चुका था जमीर इनका। जब 2013 में मोदी को लाल किशन आडवाणी को लाया गया, सबसे पहले सबसे बत्ती दाव अडानी अंबानी ने मोदी पर लगा हुआ था, अकबर यहाँ 10-15 साल रहेगा, वो सोच करके दाव खेल रहा था अडानी को, इसलिए तो बैठा गया साइड में। और उस समय सबसे पहले मीडिया को खरीदा गया और मीडिया का जमीर बिक गया। अरे सच्चाई को सच्चाई नहीं दिखा सकती? 25 ग्राम हीरोइन मिल जाओ, 25 ग्राम ड्रग्स मिल गई, जब तो चिल्लाते फिर रहे थे क्योंकि उस समय पीक पर था हमारा आंदोलन, हमारी आवाज़ दबाने के लिए। आज 9-9 हज़ार करोड़, 27-27 हज़ार करोड़ की खेप पकड़ी जा रही, उस पर सब चुप है क्यों?